ब्रीड सिलेक्शन हम कैसे करें, हम कौन सी ब्रीड पे फोकस करें, कौन सी ब्रीड पे काम करें। हियर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीडर एंड अ फार्मर। एक शीप ब्रीडर और एक शीप फार्मर, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। इससे जो है वो हमारा फ्यूचर भी बर्बाद, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। ये लगता है सूटेबल है, एक तो बजट में है और दूसरा वेट गेन भी अच्छा करता है और खूबसूरत भी है, वूल भी अच्छा है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस वाइज श्रीशन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है वो बर्फबारी जो है वो कश्मीर हमारी सुन ली कि कश्मीर में बर्फबारी हो गई, चाहे ज़्यादा हुई चाहे कम हुई, बट हुई, बर्फबारी हुई। एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वैसे हाँ, जिस टाइम पे बर्फबारी होनी थी उस टाइम पे बर्फबारी नहीं हुई, और जब बर्फबारी नहीं होनी थी क्योंकि उतना टाइम नहीं निकलता इस बर्फ़ को पिघलने में, अगर ये इससे पहले 20 दिन 30 दिन पहले जो है वो बर्फबारी होती तो टाइम बहुत निकलता, बट ये बर्फ़ होती है फिर 2-3 दिन बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना भी है काफ़ी है। और बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं कि जब एक नया बिगनर जो होता है वो जब फार्म स्टार्ट करता है तो ब्रीड सिलेक्शन वो कैसे करे। ये एक मोस्ट जो है वो आस्क्ड क्वेश्चन है कि ब्रीड सिलेक्शन हम कैसे करें, हम कौन सी ब्रीड पे फोकस करें, कौन सी ब्रीड पे काम करें। तो और दूसरी बात, मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीडर एंड ए फार्मर। एक शीप ब्रीडर और एक शीप फार्मर, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे क्या है, कश्मीर में यहाँ पे शीप ब्रीडर को भी फार्मर बोलते हैं और शीप फार्मर को फार्मर ही बोलते हैं, वो तो होगा ही। बट द मेन थिंग इज यहाँ पे जो शीप ब्रीडर्स है उनको भी कंसिडर किया जा रहा है कि शीप फार्मर्स। भाई जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है देखा है कि शीप फार्मर जो होता है वो एक अलग कैटेगरी है और शीप ब्रीडर जो है वो एक अलग कैटेगरी है। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे शीप ब्रीडर एंड शीप फार्मर का, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आज इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ब्रीड सिलेक्शन हम करें वो कैसे करें, हमें किस ब्रीड पर जो है वो काम करना है ताकि हमारा फार्म जो है वो आगे जाके ग्रो हो। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि पहले पहले अगर हम स्टार्ट करें तो क्या हम पहले पहले ये लोकल वगैरह लाए माल, तो फिर जो है वो आगे जाके जब अच्छे हम मतलब बढ़े तो फिर जो है वो अच्छा सा माल लाएं। सबसे वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर इस गोडाउन में लोकल माल जो अच्छा नहीं हो, अगर हम पहले अपने फार्म में वो माल लाएँ जो अच्छा नहीं हो, मे हमें वो रखना ही रखना है 6 महीने 7 महीने 8 महीने। 8 महीने में जो है वो ब्रीडिंग होगी वहाँ पे, ठीक है, 8 महीने में ब्रीडिंग वगैरह होगी, तो उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, तो फिर क्या रहता है, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा स्लोली 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 आगे बढ़ेगा। और हमारे जो फार्म पे स्टॉक होगा, जो हमारे फार्म पे लाइव स्टॉक होगा वो कौन सा होगा, लोकल होगा, जिसकी रेट उतनी नहीं है और ना ही ज़्यादा वेट गेन करता है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो हमारा फ्यूचर भी बर्बाद, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद, हम भी बर्बाद और हमारे घर वाले भी बर्बाद, क्योंकि उन्होंने जो है वो हम पे ट्रस्ट करके हमें बिजनेस करने के लिए जो है वो बोला है या फिर सपोर्ट किया है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप शीप फार्मिंग करना चाहते हो तो पहले से ही जो है वो अच्छी ब्रीड रख लो। और मैं हर किसी को जो भी मुझसे सजेशन पूछता है, मैं हर किसी को जो है वो पोल मेरिनो सजेस्ट करता हूँ। एज आई सॉ माई सेल्फ दैट के पोल मेरिनो जो है वो मुझे लगता है सूटेबल है, एक तो बजट में है और दूसरा वेट गेन भी अच्छा करता है और खूबसूरत भी है, वूल भी अच्छा है। पोल मेरिनो इज़ बेस्ट फॉर शीप फार्मिंग इन कश्मीर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे ये है कि 1 लाख 2 लाख से कम जो है वो
बात ही नहीं करते हैं। सो गाइज, ऐसी जगहों पे जाना ही क्यों, मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी जगह पे जाना ही क्यों या ऐसे शौक पालना ही क्यों जो कि मतलब आपको पता है कि भाई ये ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने रिसेंटली एक जगह जो है वो मैंने सोचा था, मैं कॉरिडेल ब्रीड है, मैंने सोचा मैं रखूंगा, बट आई स्वेयर अपॉन ऑलमाइटी अल्लाह के जहां पे मैंने बात की ना कॉरिडेल की, मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे दिया था, एक मेल और एक फीमेल मैंने मांगा था, और वो उन्होंने दिया था तीन तीन चार चार मंथ का था, मेल फीमेल कॉरिडेल। और मैंने देखा कॉरिडेल, मतलब क्वालिटीज थी उनमें, प्योरिटी भी थी, मैं नहीं बोलूँगा प्योरिटी नहीं थी, प्योरिटी थी, बट एज आई ऑलवेज सेड के प्योरिटी जो है वो 100% यहाँ पे जो है वो नहीं होती, 100% प्योरिटी नहीं है किसी के पास कश्मीर में, क्योंकि ये सब जो है वो क्रॉस्ड होते हैं। अब किसी में जो है वो ज़्यादा सीमेंट्स होते हैं और किसी में कम सीमेंट्स होते हैं, बट हाँ प्योरिटी होती है, 60-70-80 नहीं होती, 90 नहीं होती, 100 नहीं होती, ये सब जो है वो, क्योंकि ये जो ब्रीड्स है ना, कॉरिडियल ब्रीड, मेरिनो ब्रीड, ये सब जो है वो बाहर की है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो मसला ये है कि जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा माल, मैंने देखा कॉरिडियल, मुझे पसंद आया, तो मैंने बोला आप भाई आप रेट बताइए मुझे इनके, तो उसने बोला मैं फ़ोन पे बोलूँगा, मैंने बोला मैं अब आया ही हूँ, आप मुझे बताइए मैं जो है वो ले लूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आपने माल देखा आपको लगा, मैंने बोला हाँ मुझे लगा, उसने बोला कोई मसला नहीं आप जो है वो मतलब मैं आपको फ़ोन पे बोलूँगा फिर मैं यही से माल भेजूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब इंसिस्ट भी नहीं करता मैं उसको, तो मैं घर गया, मैंने शाम को उसको कॉल किया, कॉल करके वो मुझे बोलता है भाई आपको माल पसंद आया, मैंने बोला हाँ, तो वो वहाँ से पहले ही, उसने पहले रेट नहीं बोली, पहले ही कसम खा रहा है, ये कसम वो कसम, मैंने बोला भाई रेट बोलो, बोल रहा है कि भाई मैं आपको दूंगा आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये वो, आपको मैं दे रहा हूँ 160,000 का, 3 महीने के कॉरिडेल, 2 बच्चे थे मेल फीमेल, 160,000। तो मैंने बोला भाई लेने को तो मैं, अगर मुझे शौक होगा तो मैं लूँगा, बट मैं किसी के लिए वबाल नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने लिया दैट मीन्स कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, और फॉर मी 80,000 देना एक 3 मंथ के बेबी को, हाँ कॉरिडेल था, दैट डजंट मीन कि सोना था, वो कॉरिडेल आज से अगर हम 2-3 साल पहले देखिए ना, तो कॉरिडेल जो है वो किसी को पता ही नहीं था, अच्छे आसान दिवान बकर वालों ने आसान कॉरिडेल तीर सी अच्छे उसने पाई यम चुके कॉरिडेल। अब जब थोड़ी बहुत नॉलेज हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 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 जो है वो पहले उन्होंने जो है वो यहाँ पे रिंकल ना रिंकल 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 गए लुक उक नहीं, आज से रिंकल आसान सड़कन पे, लोकल जो ब्रीड होती है ना हमारे पास उनमें से जो है रिंकल भी जो है वो निकलते हैं, तिमन चाहन 3 सिमन सच तमाम फिक्री यम कित पड़ जाए बकर वालन चाहन रिंकल तीर सी वो कुछ नहीं है। अब वैसे ही जो है वो कॉरिडियल, अब बात छोड़े हैं, मैं बात अब पॉइंट पे आता हूँ जो कि मुझे बोलना है, वो ये है कि हमें जो है वो बात करनी है ब्रीड सिलेक्शन। तो ब्रीड सिलेक्शन मैंने क्या बोला कि आपको जो है वो पोल मेरिनो जो है सिलेक्ट करना है अपनी फार्मिंग के लिए, ताकि आगे जाके जो है वो आपकी फार्मिंग जो है वो बेनिफिशियल रहे। सो उसके बाद जो है वो मैं आपको अब बताऊंगा कि पोल मेरिनो आप कैसे पहचाने जो अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी नस्ल का होगा और जो प्योरिटी में अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो है वो आप वूल चेक करें, वूल तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि कैसे चेक करना होता है, बस इतना हिंट दूंगा कि वूल जो है वो जस्ट लाइक अगर आप ऊपर से देखोगे थोड़ा बहुत जो है वो ब्लैकिश लगेगा आपको, थोड़ा बहुत ब्लैकिश, और जब आप मतलब उसको खोल के देखोगे, वूल को खोल के देखोगे तो वो स्मूथ होगा, बहुत नरम होगा और वाइट होगा बहुत ज़्यादा और बहुत नरम, जस्ट लाइक जिसके जैसे जैसे हम में होता है ना कंचा सा करली मांस, कंचा सा प्लेन मांस, तो समझ लो यही है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो जाने पहचाने मतलब ये मैं एक्सपर्ट्स आसा उनको पता है, वो बस नज़र से पहचानते हैं ईशा प्योर कितना। तो उसके बाद जो है वो हम क्या देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम फेस देखेंगे, फेस मोस्ट प्रोबेबली उनका फेस जो है वो आगे से मोटा होता है और वाइट होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मोटा होता है और वाइट होता है,
और उनके जो उनके सर में जो है सींग नहीं होते। अगर किसी के सर में सींग होंगे लिटिल लिटिल, दैट मीन्स कि ये मतलब पोल मेरिनो है, बट इसकी जो है वो प्योरिटी बहुत कम है। अगर सो आज ना बात सांते पोल मेरिनो हो, दैट दैट डजंट मीन कि इसमें पोल मेरिनो छू इरालान तो इस पोल मेरिनो होगा, बट प्योरिटी में बहुत कम होगा। तो उसके बाद जो है वो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, जो उसकी नाक है उस पर थोड़े थोड़े रिंकल्स होंगे, 2-3-4 ऐसे होंगे, 1-2-3-4-5 ऐसे होते, और जितने जो है वो उनके नाक पे रिंकल होंगे उतना जो है वो प्योर होगा। ज़्यादा होंगे ज़्यादा प्योर है, कम होंगे तो कम प्योर है, बट 2 से कम जो है वो नहीं लेना। अगर 1 ही हुआ तो नहीं लेना, 2-3 तो लेना, यानी कि 2 रिंकल होंगे नाक पे या 3 रिंकल होंगे नाक पे तो जो है वो लेना है, अगर 1 रिंकल नाक पे हुआ तो नहीं लेना है। तो ये रही पोल मेरिनो सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको एक और हिंट बताऊंगा कि उनकी टेल जो है आधे बोलेंगे लंबी होनी चाहिए, आधे बोलेंगे नहीं होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली टेल लंबी ही होती है, बट अगर किसी की टेल लंबी नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये पोल मेरिनो नहीं है, क्योंकि हम टेल से ये जो है वो जज नहीं कर सकते। टेल से कुछ जज नहीं होता है, टेल अगर नहीं भी हुई तो जज नहीं कर सकते। ये जितने भी फार्मर्स हैं ना यहाँ पे, ये मनाचल लाच झूठ गुस्सा सुनते हैं, लट आसान सुगस जमीन से लागे, टेल जो है वो कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि टेल डजंट मीन कि ये जज नहीं करता है, मतलब किसी की धुम ये जज नहीं करेगी कि ये अच्छी नस्ल का है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो कुछ मैंने जो है पॉइंट्स आपको बोले हैं, ये पॉइंट्स आपको जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप डील करोगे फॉर पोल मेरिनो। और उसके बाद जो है मैं क्या बोल रहा था पहले, ब्रीडर और फार्मर। देखिए भाई, ब्रीडर और फार्मर जो है वो अलग अलग 2 कैटेगरीज में आते हैं। ब्रीडर वो होता है जिसके पास जो है वो ब्लड हिस्ट्री होती है, जैसे मेरे पास, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास पोल मेरिनो है, ठीक है, मैं बोलूँगा मेरे पास पोल मेरिनो है, तो जो मेरे पास पोल मेरिनो है मैं उसकी ब्लड हिस्ट्री रखूंगा, यानी कि मैं आज इन सुन नई चीज़ पता से, जैसे इसके बाप का मतलब परदादा जो होते हैं, मैं तीन हिस्ट्री, तो बस ब्रीडर मैं बोलूँगा आपको ए रात सही छोड़ एम सोसी बिटबाप खतरनाक वो बुसे हिस्ट्री वना, डैट मीन्स कि मैं ब्रीडर हूँ। पल को ब्याह फार्मर मे नीचे कहीं वन है मैं जितन काट बचा आख मे गरी फंक्शन ऐसे बोलता है ना कश्मीर में, मैं कश्मीर में जो हमारा जो ज़्यादातर जो है हमारे कश्मीर में है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो कि हमारे आसपास जो है हमारे माहौल में ऐसे होते हैं कि फंक्शन होते हैं घर पे तो आते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं, फार्मर के पास, वो उठाता है और देता है। तो ये सब फार्मर सुचन तेमें अच्छे सुचन ये वनान क्या है एम्स ओसी मोल इत पट एम्स ओसी मोल इत पट उसको बस क्या है तमें थमित कम खुद या रचमित कम खुद मे कन पग हिस्ट्री तेस पाई ये कम सुन क्या क्या तेज अत सहन उसको बस वेट गेन अगर अच्छा होगा तो वेट के हिसाब से देगा, या अगर मतलब क्या तेस यह क्या दिमाग मज कि यह अम सुन मोल इत पट बादशाह। तो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही है ब्रीडर और फार्मर। ब्रीडर जो है उसके पास ब्लड हिस्ट्री होती है, और फार्मर जो है वो उसके पास जरूरी नहीं कि वो ब्लड हिस्ट्री रखेगा। तो ये बस आपके जो है वो दिमाग में रहना चाहिए। तो बस आज का जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैस ऋषि को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमानुल्लाह।